उज्जैन के युवकों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर फर्जी मोबाइल ऐप से धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। उज्जैन के युवक पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और लिखित में शिकायत कर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टर को बताया कि मोबाइल पर कई प्रकार के ऐप चल रहे हैं, इनको डाउनलोड करने और इनका उपयोग करने पर धोखाधड़ी और जालसाजी की जा रही है और सीधे साधे नागरिकों को गुमराह कर धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। युवकों ने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और जो ऐसे ऐप चला रहे हैं प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए कहा। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बताइए क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला है, किस प्रकार से क्या हो रहा है? मेरा नाम रवि उपाध्याय है और कई ऐसी फर्जी ऐप है जो अनलीगल रूप से इस मार्केट में अवेलेबल है, जो कई जो कस्टमर है उनसे अनलीगल ब्याज के तौर पर कार्य कर रही है। वो ब्याज का जो जितना पैसा है वो डबल लेती है, जो RBI जो गाइडलाइन है उसके विपरीत पूरे कार्य कर रही है और अनलीगल रूप से कॉन्ट्रैक्ट पूरी हैक करके उनको बदनामी कर रही है, गोपनीयता सारी बंद कर रही है। इसलिए हमने आज आपके साथ किस प्रकार से धोखाधड़ी हुई थी, किस प्रकार से आपका पैसा कटा था और कितना कटा था और कैसे क्या हुआ था? ये सभी जो है पैसा क्या है पैसे जो रहती है अनलीगल रूप से सारा प्रोसेस करती है और काफ़ी हमारे मित्र हम तो आज सोशल मीडिया वजन से कम लोग आए, बस कई ऐसे लोग जो दिखते थे। आपके खाते से कितने गए थे, आपके पैसा आपका कितना निकला था? आप लोग हैं 5,000 रुपये, फिर कितना मिला और किस प्रकार से क्या करना पड़ा? 3,500 मिले और कुछ भी नहीं, बाकी वो क्वान्टिटी चेक करती है, प्रॉपर सबको फोन फॉरवर्ड करती है और व्हाट्सअप के रूप में सबको बदनाम करती है, तो पूरी बंद कर रही है। अच्छा, आपके 5,000 रुपये निकले थे जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।